हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द खिलाफत मोमेंट। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तुर्की ज्वाइन द जर्मन साइड। ये आपको पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की जो है जर्मन का साइड में उसको सपोर्ट किए थे। सो व्हेन इंग्लैंड जीत गया था, द ट्रीटी दैट वॉज मेड, ट्रीटी में मेड गया था, हैड मैनी फेम एंड अनजस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द लूजिंग साइड। हारने के साइड के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारे पैसा उनसे लिया गया था। ये मैंने आपको पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। द सुल्तान ऑफ तुर्की एट दैट टाइम वॉज ए खलीफा। उसी समय जो सुल्तान, जो राजा था तुर्की के, वो एक खलीफा थे, हेड ऑफ मुस्लिम्स, जो मुस्लिम के हेड है उनको खलीफा कहते हैं। द मूवमेंट इन इंडिया टू अपोज द स्ट्रिक्ट टर्म्स इम्पोज ऑन तुर्की एंड सुल्तान केम टू बी नोन एज खलीफात मूवमेंट। फिर स्टूडेंट्स क्या हुआ था, उनके ऊपर जो है हेवी सारे टैक्सेस वगैरह पे करने के लिए बोला गया था। एंड ऑल ब्रदर्स मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली वेयर द चीफ लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। और जो खलीफात मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसके अली ब्रदर जो थे, मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली, ये एक्टिव रोल प्ले किए थे। गांधी जी रिक्वेस्टेड द कांग्रेस टू सपोर्ट द मूवमेंट कीपिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन माइंड। और गांधी जी कांग्रेस को ये रिक्वेस्ट किए थे कि ये जो मूवमेंट, खलीफा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, हिंदू मुस्लिम दोनों इकट्ठा साथ में यूनिटी बनाकर उसके अगेंस्ट में खड़े हो। द मूवमेंट बिकेम सिवर विथ कांग्रेस सपोर्ट, और कांग्रेस की जो सपोर्ट थी उसके हिसाब से ये मूवमेंट भी अच्छी रोल अच्छी हुए के लिए जाना हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-1922। द नागपुर कॉन्फ्रेंस गेव द अप्रूवल टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन दिसंबर 1920। द नागपुर कॉन्फ्रेंस, नागपुर में एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग हुआ था, गेव द अप्रूवल, उन्होंने वहाँ पर अप्रूव किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए दिसंबर 1920 में। नाउ द कांग्रेस मेड ए स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, स्वराज्य। 1920 में ये जो नागपुर कॉन्फ्रेंस में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अप्रूवल हुई थी, वो स्ट्रॉन्ग डिमांड किए थे, कांग्रेस स्ट्रॉन्ग डिमांड किया था अपनी स्वराज के लिए। स्वराज मीन्स अपने खुद की शासन रहेगा, खुद ही शासन करेंगे हम लोग, कोई ब्रिटिशर्स, कोई आउटसाइडर हमारे देश में शासन नहीं करे, इंस्टेड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जो अभी मैंने आपको बताया सेल्फ गवर्नमेंट करने के लिए अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये ब्रिटिश एम्पायर के रूल जरूरत नहीं, हम अपने देश में खुद ही शासन करें। कंस्ट्रक्टिव एसेप्ट इन द पॉजिटिव एसेप्ट ऑफ द मूवमेंट वॉज हिंदू मुस्लिम यूनिट टू बी स्ट्रेंथ। और ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वहां पे हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हो गए थे। एक्चुअली क्या, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उस समय मुस्लिम लीग और हिंदुज्म थोड़ा अलग हो गए थे, लेकिन जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपकी 1920 दिसंबर में स्टार्ट हुई थी, इसके बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों यूनिट हो गए थे। इंस्टेंट ऑफ यूजिंग स्वदेशी आर्टिकल्स रिवाइल ऑफ स्पिनिंग व्हील्स इन एवरी हाउस। और वो लोग क्या कहते थे, स्वदेशी आर्टिकल्स, जो फॉरेन की ओर से ब्रिटिश जो गुड्स आता था उसको बॉयकॉट करने के बाद खुद जो स्वदेशी, खुद का प्रोडक्ट, खुद जो इंडिया में बनता था उसको लेना। स्पिनिंग व्हील्स इन एवरी हाउस, कपड़ा बनाने का जो स्पिनिंग व्हील आता है वो हर कोई घर में था। कलेक्शन ऑफ 1 करोड़ रुपीज फॉर द तिलक स्वराज फंड, और ये सब काम करते 1 करोड़ तिलक स्वराज फंड को दिए थे। एबोलिशन अनटचेबिलिटी, नेशनल एजुकेशन प्रोहिबिशन एक्सेट्रा। और उसमें क्या हुआ था, जो जात पात अछूत और एजुकेशन को कैसे इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, ये सब एक्टिविटीज स्टार्ट हो गया था। स्टूडेंट्स इसका नेगेटिव एसेप्ट क्या गिरा था, द नेगेटिव एसेप्ट से कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स। जितने भी हमारे भारत के सिटीजन्स थे
जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स सरकार के अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो जॉब कर रहे थे, गिविंग अप यानी कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस बॉयकॉट, लेजिस्लेचर जो असेंबली होता था उसको बॉयकॉट कहते, रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट कोर्ट्स, सरकार की जो कोर्ट था वहाँ से रिजाइन किए थे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉयकॉट फॉरेन क्लॉथ, जो कि बाहर से कपड़ा फॉरेन से आता था उसका बॉयकॉट किए थे। एंड अदर आर्टिकल्स गवर्नमेंट फंक्शंस टाइटल सिटी से, दूसरे बहुत सारी चीज़ जो गवर्नमेंट की थी उसको भी बॉयकॉट करना और गवर्नमेंट की जो फंक्शन था उसको भी अटेंड नहीं करना, ये सब नेगेटिव एसेप्ट होता है। प्रोग्राम्स फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इन द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर द टाइटल्स खेसर ए हिंद। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने केसरी ए हिंद एंड नाइट टू ऑनर रेस्पेक्टली, द अदर लीडर्स ऑफ द नेशन ऑल्सो गेव अप द टाइटल्स एंड पोजिशंस। दूसरे भी लीडर्स जितने भी सारे थे वो भी टाइटल्स और पोजिशन छोड़े थे। स्टूडेंट्स लेफ्ट इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेज, स्टूडेंट्स भी थे उसी मूवमेंट के साथ अटैच हो गए थे, उन्होंने भी जितने भी स्कूल और कॉलेज थे उनसे भी वो लोग स्कूल नहीं कॉलेज नहीं, एट वेरियस प्लेसेस फॉरेन क्लॉथ्स वेर सेट ऑन फायर। और बहुत सारे जगह पे क्या हुआ था, जो फॉरेन क्लॉथ जो बाहर से जितने सारे कपड़ा वगैरह आते थे उनको ज़बरदस्ती बाहर निकाल के उनको आग लगा दिया गया। व्हेन द ड्यूक ऑफ कैंटन केम टू इंडिया ही वॉज बॉयकॉटेड इन 1921 नवंबर। यस, फॉरेन क्लॉथ वॉज सेट इन द, व्हेन द ड्यूक ऑफ कैंटन केम टू इंडिया ही वॉज एट अ बॉयकॉट 1921 नवंबर, द सेरेमनी ऑफ ऑनरिंग प्रिंस ऑफ वेल्स वॉज बॉयकॉटेड। जो सेरेमनी प्रिंस वेल्स का हुआ था उसको भी बॉयकॉट किए थे, मतलब गए नहीं। सच इंसिडेंट्स क्रिएटेड कंसिडरेबल नेशनल एक्साइटमेंट। ये सब जितने सारे एक्टिविटीज अभी मैंने आपको बोला आप सुना, तो ये जो एक्टिविटीज हुआ था मतलब फॉरेन ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंप्लीटली वो लोग एग्नेस्ट हो गए थे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंप्लीटली वो लोग एग्नेस्ट हो गए तो एक न्यू चीज बॉर्न हुआ था, नेशनलिज्म, जो कि हमारे अंदर अपने देश के लिए एक नेशनलिज्म सभी पर्सन्स के अंदर क्रिएट हो गया था। ऑन द अदर हैंड नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेज वर एस्टेब्लिश, और हमारा देश में हमारा भारत में खुद के नेशनल मतलब हमारा खुद के स्कूल और कॉलेज मतलब बना दिया गया था, लाइक काशी बिहार जामिया मिल्लिया गुजरात विद्यापीठ एट्सेट्रा, इतने सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाया गया। ड्यू टू द वेगरस प्रोपोगंडा फॉर स्वदेशी गुड्स एंड इम्पोर्ट क्लॉथ फुटवेयर लग्जरियस आइटम्स फ्रॉम इंग्लैंड रिड्यूस डिस्टेंटली, जितना भी फॉरेन के गुड्स क्लॉथ फुटवेयर चप्पल लग्जरियस आइटम जितने भी आते थे वो सबको बॉयकॉट कर दिए थे। दिस रिएक्शन रेटल द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ये जो सब हिंदुस्तानी अपने जितने भी सिटीजन्स थे सबने जब बॉयकॉट कर दिया था उसकी एक ग्रेट असर ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर गिरा था। द गवर्नमेंट वॉज शॉक्ड बाय दिस काइंड ऑफ ह्यूज इकोनॉमिक लॉस टू इंग्लैंड। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे सब फॉरेन गुड्स सबका जब बॉयकॉट कर दिए, स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट्स नहीं गए, अपने भारत में जो स्कूल कॉलेज काशी बिहार जामिया मिल्लिया गुजरात विद्यापीठ जो एस्टेब्लिश किया वहाँ पे पढ़े, ये एक मोमेंट देखे ब्रिटिश टोटली शॉक हो गए, क्योंकि उनको इतनी इकोनॉमिक इतनी आर्थिक लॉस हुई थी इंग्लैंड को। मोर देन 1 करोड़ रुपीज वॉज कलेक्टेड इन द तिलक फंड, और तिलक फंड में 1 करोड़ स्पिनिंग व्हील लगा के घर घर में जो फंड वगैरह अरेंज किया गया था। ऑन मैनी ओकेजन्स लाइक द हिंदू मुस्लिम एमर्जर प्रेमली, जब हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में मिलकर ये कलेक्शन, द मोपला रिवोल्ट मालाबार बिटवीन हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मुस्लिम पीजेंट रिजर्व सेक्रेटरीशिप एंड इट वॉज सपोज बाय द ब्रिटिश आर्मी। जब मोपला एंड मालाबार बिटवीन द हिंदू लैंडलॉर्ड्स हिंदू जमींदारी और मुस्लिम पीजेंट जो मुस्लिम के किसान थे रिजर्व सेक्रेटरीशिप क्रिटिसिज्म किया गया किसके बाद ब्रिटिश आर्मी के।
सर. ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज एनफ फॉर इट. हैव ए गुड डे.